प्यार में इंसान पागल क्यों हो जाता है? प्यार इतना गहरा कैसे हो जाता है? प्यार में इंसान अकेला ही बहुत खुश क्यों रहता है? उसे रात दिन सोते जागते सिर्फ और सिर्फ प्यार की याद क्यों आती है? प्यार होने के बाद या प्यार में पड़ने पर हमारे दिमाग के साथ क्या होता है? दोस्तों, प्यार से जुड़े और कई सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, आपने अगर किसी से सच्चा प्यार किया है या कर रहे हैं तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत 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 खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। सो लेट्स बिगिन टुडे अमेजिंग साइंटिफिक वीडियो अबाउट द लव। मेरे प्यारे दोस्तों, शोधकर्ताओं ने प्रेम या प्यार में पड़े व्यक्ति के दिमाग में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों की मैपिंग कर ली है और यह भी पता लगाया है कि प्यार में पागल होने के समय दिमाग के कौन से हिस्से काम करना शुरू कर देता है और कौन से हिस्से ठप यानी बंद पड़ जाते हैं। दोस्तों, साइंटिस्टों ने प्यार में पड़े व्यक्ति की दिमाग का स्कैनिंग किया तो साइंटिस्टों ने पाया कि किसी व्यक्ति के प्यार में पड़ने पर उसके दिमाग में निर्णय लेने में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला अग्रणी कॉर्टेक्स बंद हो जाता है। एमआरआई स्कैन से यह पता चला है कि दिमाग का कॉर्टेक्स हिस्सा तब बंद होता है जब उसे प्यार करने वाले व्यक्ति का फोटो दिखाई जाती है या फेस भी दिखाई देता है, और जब आप उस व्यक्ति की ओर देखते हैं जिसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तो आपके दिमाग के कुछ हिस्से एक्टिव हो जाते हैं और आपके दिमाग में न्यूरोपेप्टाइड हार्मोन्स का स्राव या बहाव शुरू हो जाता है, जिससे आप प्यार करने वाले व्यक्ति के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। और जैसे जैसे इस हार्मोन्स का बहाव बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप प्यार में डूबते चले जाते हैं। इतना ही नहीं, जब इस हार्मोन्स का बहुत अधिक बहाव होने लगता है तो इंसान प्यार में पागल हो जाता है और उसके बिना रह पाना नामुमकिन सा लगने लगता है। दोस्तों, प्यार होने के बाद इंसान के दिमाग के हाइपोथैलेमस हिस्से में ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तब इंसान किसी के साथ शारीरिक और भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए बेचैन रहने लगता है। इतना ही नहीं, जैसे जैसे इस हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ता है इंसान अपने पार्टनर के प्रति आकर्षण भी बढ़ता जाता है और तब जाके इंसान प्यार में पूरी तरह पागल हो जाता है। दोस्तों, ये सभी प्रक्रिया इंसान के दिमाग में एकदम नॉर्मल तरीके से होती है, इससे डरने और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, जब इंसान पूरी तरह प्यार में डूब जाता है तब दिमाग में डोपामाइन केमिकल का बहाव बहुत अधिक होने लगता है। आपको बता दें कि डोपामाइन हमारे खुशी, दुख, पीड़ा, इच्छा, लत आदि अनुभवों से जुड़ा होता है। जिस तरह शराब पीते पीते लत लग जाता है, उसी तरह प्यार में पड़े पड़े प्यार का लत यानी नशा हो जाता है। अंततः प्यार में पड़े व्यक्ति की हालत नशेड़ी जैसी हो जाती है, जिसे किसी भी तर्क के सहारे बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। साइंस के अनुसार प्यार में पागल होना इंसान के याददाश्त पर भी निर्भर करता है, क्योंकि प्यार होने के बाद इंसान जब किसी एक इंसान के बारे में बार बार सोचता है तो इससे इंसान के दिमाग में टेम्पोरल लोब पर जोर पड़ता है, जिसके कारण टेम्पोरल लोब सिर्फ और सिर्फ प्यार के बारे में याददाश्त बनाने लगता है, जिससे इंसान धीरे धीरे प्यार की ओर अनोखी दुनिया में चले जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि लौंडा प्यार में पागल हो गया है। तब वो चाहकर भी खुद को प्यार से दूर नहीं कर पाता है। कभी कभी टेम्पोरल लोब पर जोर पड़ना इंसान के लिए खतरनाक भी साबित होता है। इसमें इंसान खुद को पूरी तरह प्यार में समर्पित कर देता है,
यहाँ तक कि प्यार न मिलने की स्थिति में वह गलत रास्ता भी अपना लेता है। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि ड्रग्स या कोकीन जैसे नशा का सेवन करने से जो डोपामाइन हमारे दिमाग में रिलीज होता है और जो अनुभूति होती है, यानी कि जो अंदर से फील होता है, सेम उसी तरह जब कोई प्यार में पड़ता है तो उसके दिमाग में भी वही केमिकल रिलीज होता है जो ड्रग्स कोकीन लेने पर होता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो प्यार करना और ड्रग्स कोकीन का नशा करना दोनों बराबर है। लेकिन आप यह गलती जीवन में भूलकर भी मत करना। मैं नशा की बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्त। प्यार तो आप बिंदास कर सकते हैं, क्योंकि प्यार तो नेचर की देन है। दोस्तों, ये जो प्यार है कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकता है। दोस्तों, आपने एक खास सिचुएशन को जरूर नोटिस किया होगा, जब आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के सामने होते हैं तो दिल की धड़कन बढ़ने और हथेलियों में पसीना आने लगता है, साथ ही मुंह भी सूखने के जैसा फील होने लगता है। तो दोस्तों, आखिर उस समय ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आपको यह अगर पता है तो नीचे आप कमेंट में जरूर लिखना। और दोस्तों, आपको पता नहीं है तो जान लीजिए कि आप जब प्रेमी या प्रेमिका के सामने या पास आते हैं तो आपके दिमाग में एड्रेनलिन केमिकल कुछ ज्यादा ही रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिससे आपको मुंह सूखना, हथेलियों में पसीना आना और दिल की धड़कन बढ़ जाने का अनुभव यानी फील होने लगता है। और यह भी आपको पता होना चाहिए कि जिस वक्त आप प्रेमी या प्रेमिका से मिल रहे होते हैं, उस वक्त जो अंदर से डर लगता है वह भी इसी हार्मोन्स के कारण होता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करें, और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक जरूर कर दे। और दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी को भी ऑन कर लीजिए, तभी तो नेक्स्ट आने वाली इसी तरह का अमेजिंग साइंटिफिक फैक्ट का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप सबसे पहले देख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड यू टेक केयर।